हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरवा करेले की सब्जी। भरवा करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेले लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से अच्छे से छील लिया। आप इसे पिलर से भी छील सकते हैं, आप इसे चाकू से भी छील सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा काट दिया है और अच्छे से इनको धो के सुखा लिया थोड़ी देर पानी तक कि अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद मैंने सेंटर में यहाँ से ऐसे करके कट लगा दिया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है आप देखें। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो सारे मसाले जो हमने ऐड किए इनको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम करेले में जो हमने कट लगाया है उसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाएंगे इस तरीके से। इसको खोल के अगर आप बीज निकालना चाहते हैं तो आप बीज भी निकाल सकते हैं, और अगर बीज सॉफ्ट है तो आप बीज के साथ भी इसको इसी तरीके से भर सकते हैं। इस तरीके से सारे करेले हम अच्छे से भर देंगे। आप इसमें 1/2 चम्मच के करीब मसाला डाल के इसको पूरा फैला देंगे हम हाथ से या फिर चम्मच से इस तरीके से। हमने सारे करेले में मसाला भर दिया और बाकी बचा हुआ मसाला हम इसे साइड पे रखेंगे, जब प्याज की सब्जी बनाएंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब हम सारे करेले जो हमने भर लिए हैं उनको हम एक धागे से, साफ धागा हम ले लेंगे, उससे हम अच्छे से बांध देंगे इस तरीके से, ताकि मसाला जो है हमारा बाहर ना जाए। इस तरीके से सारे करेले को हम अच्छे से धागे से बांध देंगे, क्योंकि ये धागा खुलता नहीं है, इसी तरीके से रहेगा। तलने के बाद जब हम खाएंगे तब आप इस धागे को हाथ से निकाल सकते हैं। कढ़ाई में घी डाल के गैस जला देंगे और घी गर्म होने पे हम इसमें जो भरे हुए करेले हैं वो डालेंगे। धीरे डालने हैं ताकि जो तेल है वो आपके हाथ में ना आ जाए। फ्लेम हमने मीडियम पे रखनी है ताकि जो करेले वो पूरी ज्यादा जल ना जाए। और साइड पकने के बाद हम इसको पलट देंगे इस तरीके से साइड को, ताकि करेला चारों तरफ से हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसे कुछ देर पकने के लिए या तलने के लिए छोड़ देते हैं और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए, एक तरफ से हमारे करेले पक गए। अब हम एक एक करके इसे पलट लेंगे इस तरीके से, या फिर हम इनको थोड़े या तो ऐसे भी पलट सकते हैं। चारों तरफ से जब ये पक जाएंगे तब हम इसे उतार लेंगे। तो देखिए, करेला हमारा चारों तरफ से पूरी तरह से पक चुका है, इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसे निकाल लेते हैं।
करछी से हम कोने में रखते हुए ताकि तेल पूरी तरह से निकल जाए, इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारे जो करेले तल के तैयार हो गए हैं और अब हम प्याज की सब्जी बनाएंगे। करेले के साथ प्याज की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, तो अब हम प्याज की सब्जी बनाएंगे। तो प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, अलग अलग साइज के भी ले सकते हैं, अगर छोटे हैं तो आप थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, या जितने भी बनाने हैं आपने उस हिसाब से आप प्याज को छील लें, धो लें। और अब हम इसे मोटा मोटा काटेंगे, इसके बीच का हिस्सा मैं निकाल देती हूँ। इस तरीके से हमने इसको मोटा मोटा काटना है, बड़ा है तो आप 10-12 पीस कर सकते हैं इसके, और छोटा है तो 4। इस तरीके से हम सारे प्याज काट लेंगे। तो देखिए मैंने सारे प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं, आप चाहे तो इसको बीच में से भी अलग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं तो आप मोटे मोटे रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरीके से मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और अब हम तड़का लगाएंगे। तो करेले का जो बचा हुआ तेल है उसमें से अगर एक्स्ट्रा है तो हम उसको अलग से निकाल लेंगे। इतना सा तेल हम रख लेंगे प्याज को बनाने के लिए, करीबन 2 या 3 चम्मच तेल होगा वो। प्याज अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ये प्याज जो हम मैंने अभी काट के दिखाए हैं आपको। अच्छे से मिक्स कर देंगे। करेले को तलने के लिए मैंने सरसों का तेल यूज किया है, इसे हिला देंगे थोड़ी देर। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और इसमें हम जो करेले का बचा हुआ मसाला था वो हम इसमें डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा नमक और हम डाल सकते हैं और थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। अगर मसाला ज्यादा है तो आप इन्हें ना भी डाले चाहे। देखिए कितना अच्छा रंग बन गया इसका। अब फ्लेम को कम कर देंगे और कुछ देर ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे और प्याज गलने तक हम इसे हिलाएंगे। तो 2 मिनट तक पकाने के बाद हम को अच्छे से फिर से हिला देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे करेले जो कि हमने पहले तले हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे प्याज और करेले को और इसे ढक्कन लगा के हम मीडियम से लो फ्लेम पे 2 या 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि जो है करेले भी काफी सॉफ्ट हो जाते हैं इससे और प्याज भी अच्छे से गल जाते हैं। प्याज को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए हमने ज्यादा देर नहीं इसे पकाना। प्याज को भूनने में या बनने में करीबन 5 या 7 मिनट का टाइम लगता है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं और फ्लेम को कर देंगे लो और करीबन 2 या 3 मिनट के बाद इसे फिर से खोल के देखेंगे। तो करीबन 2 या 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए करेले जो है हमारे पूरी तरह से प्याज में मिक्स हो चुके हैं और प्याज भी हमारे गल गए हैं। प्याज को ज्यादा नहीं गलाना होता, थोड़ा सा आपने अधकचा से ही रखना है क्योंकि ये खाने में ये बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। तो ज्यादा पकने के बाद ये बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पकाना, इतना ही पकाना आपको जिससे ये खड़े खड़े रहे। और अब गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में डालते हैं।
अगर आप प्याज ज्यादा नहीं खाते तो आप चाहे प्याज ना डालें या फिर बिना प्याज के भी आप करेले ऐसे ही फ्राई करे हुए खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी करेले और प्याज की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे दाल के साथ खाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे रोटी, दाल या फिर आप करेले और प्याज की अकेले भी आप फुलके के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। रोटी जितनी ये दिखने में सुंदर लग रही है, खाने में भी ये बेहद स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।